इसलिए फ्लैशलाइट में इस वीडियो को पूरा कर रहा हूँ। दिल्ली की हालत खराब है, लाइट जा रही है। केजरीवाल जी आप क्या कर रहे हैं? हेलो एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिल की बात। आई एम आदित्य यादव एंड यू आर वॉचिंग द सोशल इंडियन। और इस सीरीज को बनाने का सिर्फ एक ही कारण है कि एक वीडियो सीरीज ऐसी होनी चाहिए जहां पर हम अपने दिल की बात बताएं और आपके दिल तक पहुंच पाए वो बातें। तो इस सीरीज में आपके लिए जो वीडियोज आएंगी वो सारी हमारे दिल से निकल कर आएंगी, अनस्क्रिप्टेड वीडियो होंगी। शुरू से हम जाएंगे और आखिरी तक उस बात को करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे माई फर्स्ट ईयर एट LLB इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं आया था तो चकाचौंध से मेरी आंखें जो हैं वो देखती रह गई थी कि हाँ भाई क्या चीजें होती हैं, क्या फैकल्टी होती है, क्या फैसिलिटीज होती है। क्योंकि इससे पहले मेरी जो ग्रेजुएशन है वो गुजरात में हुई थी और जो मेरी स्कूलिंग है वो पंजाब में हुई थी। तो मैंने एक साल में यहां पर क्या क्या किया वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्या कहां कहां मैं कॉम्पिटिशन गया, कहां कहां पर मैंने क्या किया, कौन से कॉम्पिटिशन जीते, या फिर फैकल्टी में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, फैकल्टी में मेरी अप्रोच क्या थी, वो इस पर मैं डिस्कस करूंगा। अब हम सबसे पहले आते हैं कि जैसे आपका भी काउंसलिंग प्रोसीजर चल रहा है, हमारा भी काउंसलिंग प्रोसीजर जुलाई में ही चल रहा था। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आई थी, उस टाइम पे मैं वडोदरा में MS यूनिवर्सिटी है वहां पर मेरी फोर्थ रैंक आई थी, तो मैंने वहां पे एडमिशन ले लिया था और एक हफ्ते से क्लासेस ज्वाइन कर ली थी और क्लासेस मैं कर भी रहा था। फिर यहां पे एडमिशन मिला तो अगले ही दिन मैंने फ्लाइट ली और दिल्ली आया, काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग मेरी जिन लोगों ने कराई थी, मैंने देखा कि यहां पर बहुत से लोग, आपको भी देखा होगा आपने इस साल कि बहुत से लोग आपके लिए हेल्प करने के लिए मेरा हेल्प यू का पर्चा लेकर खड़े होते हैं। उम्मीद करता हूं सारी साल वो लोग आपके लिए वो पर्चा लेकर खड़े रहें और आपकी हेल्प में लगे रहें। तो मेरी भी काउंसलिंग किसी ने कराई, मेरा एडमिशन यहां पर हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद यहां पर सेंट्रल अलॉटमेंट लिस्ट के लिए हम बहुत देर इंतजार करते रहे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम की डिटेल आ गई, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं जा नहीं पाया था। उसके बाद सेंट्रल अलॉट हुए, सेंट्रल अलॉट के बाद सेक्शंस अलॉट हुए, सेक्शंस अलॉट होने के बाद हमारी क्लासेस एक टाइम पे आने के बाद शुरू हुई। जब क्लासेस यहां पर शुरू हुई तो वहीं से चुनाव का माहौल भी शुरू हो गया था, क्योंकि यहां पर लोग आ रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई हमें वोट दे दीजिए, हमारी टीम ऐसा करेगी, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो इलेक्शंस एक तरह से देखकर मन में सोच उठती थी कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल अलग था। गुजरात में भी हमने इलेक्शंस देखे थे, लड़े थे, लेकिन यहां पर बातें कुछ और थी। अब जब हम ये बात कर रहे थे तभी हमारी क्लास में भी CR इलेक्शन होने लगे। CR यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव, की कौन हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, टीचर से कम्युनिकेट करेगा, क्लासेस कैसे शेड्यूल होंगी उसके बारे में सारी जानकारी रखेगा। तो CR इलेक्शन में मैंने कंटेस्ट किया CR इलेक्शन, और मुझे खुशी होती है कि आज भी जब मैं देखता हूं अपने सेक्शन को तो आज भी मेरा सेक्शन मेरे साथ पूरी तरह से खड़ा है। उस समय भी खड़ा था, सिर्फ 3 या 4 वोट बाहर गए थे, लेकिन वो दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आज हमारे साथ हैं। उसके बाद जब CR इलेक्शन कंटेस्ट हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि आगे क्या करना चाहिए। तो इलेक्शन का माहौल था भाई, CC के लिए हम कंटेस्ट कर गए सेंट्रल काउंसलर के लिए। अब सेंट्रल काउंसल के जब हम कंटेस्ट किए तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, फैकल्टी में क्या है क्या नहीं है, एक एक बच्चे तक अप्रोच करने का मौका मिला। इलेक्शंस एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर, और इलेक्शन के टाइम पर आपको जो सीखने को मिल सकता है वो शायद आपको एक महीने में भी न सीखने मिले जो आपको 10 दिन में सीखने को मिल सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों, थोड़ा सा एक्टिव रहते हों, तो कोशिश कीजिएगा कि इस चीज़ में ज़रूर अपना थोड़ा बहुत समय इन्वेस्ट करें और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में कंटेस्ट करने की कोशिश करें और देखें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करें। उसके साथ साथ फिर हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया, इलेक्शन का रिजल्ट आया। आप सभी के प्यार से और जो लोग साथ थे उनके आशीर्वाद से हम पोस्ट जीते, सेंट्रल काउंसलर बने दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद एक समय ऐसा आ गया था कि कुछ नया करने की चाह थी, कुछ नया करने की चाह थी, लेकिन जब देखते थे क्यों आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाकी चीजों को छोड़कर, तो मेरे लिए एक प्रायोरिटी थी, वो थी मेरी मूटिंग। अब मूटिंग जो है, मूट कोर्ट्स जो है, वो लॉ लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि अगर आप मूटिंग करते हैं तो लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ती है, आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पर नॉलेज आने लग जाती है। तो मूटिंग में मैंने 3 नेशनल मूट्स में पार्टिसिपेट किया इस साल, और जो भी मैंने किया वो सेकेंड सेमेस्टर में किया, क्योंकि पहले सेमेस्टर में तो चीजें समझने में ही समय निकल गया था, कभी फ्रेशर पार्टी, कभी कोई सेमिनार्स, कभी कुछ, तो उन चीजों में समय निकला। तो दूसरे सेमेस्टर से मैंने मूट की पर पकड़ बनाई,
तीन मूड कॉम्पिटिशन्स किए, तीन नेशनल मूड कॉम्पिटिशन्स किए, एक जगह बेस्ट मेल एडवोकेट भी रहा, तो खुशी भी होती थी कई बार जब 100 में से 98 मार्क्स मिलते हैं आपको मूटिंग में, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब आप अपने मार्क्स देखते हैं। उसके बाद जो हमने इंटरनल सिलेक्शंस दिए, मैंने 5 इंटरनल सिलेक्शंस दिए, उसमें पाँचों के पाँचों इंटर मूड्स में मैं सिलेक्ट हुआ। उसके बाद बाहर कॉलेज को रिप्रेजेंट करने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। मुझे नहीं लगता अपनी लाइफ में मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात हो सकती है। उसके साथ साथ जब मैं मूटिंग कर रहा था तो मैं जिस भी टॉपिक पर मूट कंपटीशन आता था उस टॉपिक पर मेरी अच्छी पकड़ बनी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पर अच्छी नॉलेज हुई, तो मूटिंग मैंने बहुत ज़्यादा की इस टाइम पर। और तीन मूट मेरे हिसाब से एक सेमेस्टर में अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है, क्योंकि करने को तो हो सकते हैं लेकिन आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना होता है, साथ में आपकी स्टडीज़ भी चल रही होती है और अदर एक्टिविटीज़ भी चल रही होती है। तो वो मैं मानता हूँ कि हाँ भाई, अगर आप एक सेमेस्टर में तीन मूट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर किया भी है, तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए और करिए। फिर हम आते हैं हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। अब स्पोर्ट्स के हम शुरू से शौकीन थे, तो भाई जब स्पोर्ट्स वीक मनाया गया फैकल्टी में तो हमने स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया, कैरम चैंपियनशिप भी जीती, फिर कुछ गेम्स छोड़ दिए गए ताकि ये ना लगे कि भाई घपलेबाजी चल रही है। अब साथ साथ ये चीज़ें चल रही थी, साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी, तो पहले साल का एक्सपीरियंस मेरे लिए एकेडमिकली भी बहुत अच्छा रहा, अब तक बहुत अच्छा रहा है। बाकी रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा आपका प्यार और आशीर्वाद हमें कहाँ तक ले जाता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहे, लेकिन मार्किंग स्कीम जो है डीयू की वो थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि शायद ये पहली बार ही ऐसा हो रहा था कि 64% मार्क्स यानी 64% मार्क्स भी जिंदगी में ज्यादा लग रहे थे। क्योंकि अगर आप 60 या 65 मार्क्स लाते हैं किसी ऑर्डिनरी स्कूल या कॉलेज में तो आपको माना जाता है निठल्ला निखट्टू बच्चा, लेकिन यहां पर 64% लाने पर बहुत इज्जत मिलती है। अगर आपके 60% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम मार्क्स जो अवार्ड किए जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर वो 14 या 15 से आपको नहीं मिलते हैं, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 20-20 मार्क्स के, तो 14 नंबर भी मैक्सिमम बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपको 13 नंबर मिल रहे हैं या 14 नंबर मिल रहे हैं किसी क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा ही लिखा होगा आपने, उस हिसाब से यहां पर मार्किंग की जाती है। हाईएस्ट परसेंटेज जो गई थी वो 66% गई थी। तो मेरे साल भर का एक्सपीरियंस लगभग एकेडमिकली कुछ ऐसा रहा, स्पोर्ट्स में मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले सेमेस्टर में किसी एक स्पोर्ट्स को पकड़ूं। क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर लाइट चली गई है, लेकिन मैं इस वीडियो को पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए फ्लैशलाइट में इस वीडियो को पूरा कर रहा हूँ। दिल्ली के हालत खराब हैं, लाइट जा रही है, केजरीवाल जी आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात इतनी सी है कि मैंने कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया, सब कुछ किया। एक्सपोजर जो है आप यूनिवर्सिटी का फायदा उठाइए, इसी के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। इस गुरु मंत्र को अपने दिमाग में बांध कर रखिए, मुट्ठी में बांध कर रखिए कि आपको काम करना है तो करना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान, आपको लगे रहना है, उस एक्सपोजर को नहीं छोड़ना, उस कॉम्पिटिशन को नहीं छोड़ना है, और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी दे पाएं। और यहाँ पर हम आपको इसी बात के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन ये दिल से निकल कर आ रही है, अनस्क्रिप्टेड है। वैसे तो हमारी मोस्ट ऑफ वीडियोस अनस्क्रिप्टेड ही होती हैं, लेकिन ये टोटली अनस्क्रिप्टेड है। यहां तक तो लाइट भी चली गई, तो ये तो हमारी दिखाती है कि हम कितना प्लान्ड तरीके से हम कर रहे थे। तो ऐसे ही आगे वीडियोस में मिलेंगे और आपसे बात करेंगे। जब तक के लिए बने रहिए, लाइक कीजिए हमें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद।